हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का 21 स्ट्रीम का मॉडल पेपर 1 का एक प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यू, वाई प्लस जेड इक्वल टू यू वी एंड जेड इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, फाइंड डो ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बाय डो ऑफ यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू। देखिये, पहले समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसको जो एक मैथमेटिकल टर्म होता है आपका जेकोबियन, तो इसको हम बोलते हैं जेकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू रेस्पेक्टिवली। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है वो देखते हैं। तो देखिए, डो ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बाय डो ऑफ यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू इक्वल टू लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डो एक्स बाय डो यू, डो एक्स बाय डो वी और डो एक्स बाय डो डब्ल्यू। सिमिलरली y के लिए और z के लिए भी हम लिख सकते हैं, यानी डो वाई बाई डो यू, डो वाई बाई डो वी, डो वाई बाई डो डब्ल्यू और फिर सिमिलरली z के लिए तो इसी डिटर्मिनेंट का आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास जो है तीन इक्वेशन दिया हुआ है और तीन वेरिएबल भी है, तो यानी आपका आपको पहले x, y और z का वैल्यू फाइंड करना होगा u, v और w के टर्म्स में, तभी आप ये वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखिए, आपका दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यू, तो इसको अगर हम इक्वेशन वन मान लें और फिर y प्लस जेड इक्वल टू यू वी, ये इक्वेशन टू है आपका। तो देखिए, y प्लस जेड इक्वल टू यू वी अगर हम पुट कर दें इक्वेशन वन में तो हो जाएगा x प्लस यू वी इक्वल टू यू, यानी x इक्वल टू हम लिख सकते हैं u इंटू वन माइनस वी। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू। सिमिलरली y का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए y प्लस जेड इक्वल टू है यू वी और z का वैल्यू दिया हुआ है यू वी डब्ल्यू। तो देखिए, z का वैल्यू डायरेक्ट आपका यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में दिया हुआ है, तो यानी x का वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं और y प्लस जेड इक्वल टू है यू वी, यानी y प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं y प्लस यू वी डब्ल्यू इक्वल टू यू इंटू वी। तो यहां से y इक्वल टू आपका हो जाएगा यू वी वन माइनस डब्ल्यू। तो देखिए, आपका x का y का और z का तीनों का वैल्यू जो है आपका यू वी और w के टर्म्स में आ चुका है। अब हम नॉर्मल पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे और फिर डिटर्मिनेंट के अंदर उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखते हैं, x इक्वल टू आ गया आपका u इंटू वन माइनस वी, y इक्वल टू यू वी इंटू वन माइनस डब्ल्यू और z इक्वल टू यू वी डब्ल्यू। तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव का रूल पता है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ वही एज ए वेरिएबल ट्रीट होगा, बाकी सारा का सारा कांस्टेंट होगा। तो हम एक एक करके सबका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए, यहाँ x इक्वल टू है आपका u इंटू वन माइनस वी, यानी आपका डो एक्स बाई डो यू का वैल्यू जो है वो आपका आ जाएगा, देखिए u आपका जो u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी u एज ए वेरिएबल ट्रीट होगा और 1 माइनस v कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इनटू u, तो u का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस v। सिमिलरली डो x बाय डो v, तो डो x बाय डो v फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो है u कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो u इनटू फिर देखिए 1 माइनस वी, 1 माइनस वी का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका माइनस वन, यानी आ जाएगा आपका माइनस यू। सिमिलरली जब आप डो एक्स बाय डो डब्ल्यू फाइंड कीजिएगा, तो देखिए x इक्वल टू, इसमें w वाला टर्म है ही नहीं, तो जब w वाला टर्म नहीं है तो यानी सारा का सारा जो है वैल्यू आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो डो एक्स बाय डो डब्ल्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब डो वाई के लिए फाइंड करते हैं, डो वाई बाय डो यू, डो वाई बाय डो वी और डो वाई बाय डो डब्ल्यू। तो देखिए, वाई इक्वल टू आपका दिया हुआ है यू वी इंटू वन माइनस डब्ल्यू, तो देखिए डो वाई बाय डो यू, तो देखिए आपका यहाँ पे v इंटू वन माइनस डब्ल्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगा और u का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा आपका v इंटू वन माइनस डब्ल्यू। सिमिलरली जब आप डो वाई बाई डो वी फाइंड कीजिएगा, तो देखिए इस बार आपका u इंटू वन माइनस डब्ल्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगा और कॉन्स्टेंट इंटू और फिर v का डिफरेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा u इंटू वन माइनस डब्ल्यू। फिर डो वाई बाय डो डब्ल्यू फाइंड कीजिएगा, तो देखिए इस बार जो है आपका यूवी कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो यूवी इंटू
फिर वन माइनस डब्ल्यू, तो माइनस डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस वन, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस यूवी। तो ये आपका वैल्यू आ गया। अब जेड इक्वल टू है यूवी डब्ल्यू, तो ये बहुत ही सिंपल है। तो डो जेड बाय डो यू इक्वल टू आपका आ जाएगा, यू जो है आपका यहाँ पे वेरिएबल है और वी डब्ल्यू कॉन्स्टेंट है जब आप यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा वी डब्ल्यू। सिमिलरली डो जेड बाय डो वी इक्वल टू हो जाएगा आपका यू डब्ल्यू, और डो जेड बाय डो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका यू वी। तो सारा का सारा वैल्यू हम डिटर्मिनेंट के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, डिटर्मिनेंट को सॉल्व भी करना है। तो देखते हैं, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी हम आपको फॉर्मूला बता चुके थे, स्पेस कम है मेरे पास, इसलिए अब हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको किसका वैल्यू लिखना था, डो एक्स बाय डो यू, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वी, फिर आपका डो एक्स बाय डो वी माइनस यू, और ये आपका डो एक्स बाय डो डब्ल्यू जीरो। सिमिलरली डो वाई बाय डो यू आपका है वी इंटू 1 माइनस डब्ल्यू, फिर डो वाई बाय डो वी इक्वल टू u into 1 minus w, और डो वाई बाय डो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस यू वी। अब जेड पे देखते हैं, तो डो जेड बाय डो यू है आपका वी डब्ल्यू, डो जेड बाय डो वी है यू डब्ल्यू, और डो जेड बाय डो डब्ल्यू इक्वल टू है यू वी। तो आपको इसी का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने का आपको मेथड पता है कि आपको जो है कोई भी आपको एक जो है या तो रो या तो कॉलम वाइज आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखिए, आप जो है नॉर्मली डिटरमिनेंट को यहाँ पे आपका टर्म्स जो है काफी बड़ा बड़ा है, तो आप कुछ जो है प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे लगा सकते हैं डिटरमिनेंट का। जैसे कि यहाँ पे जब आप सेकेंड कॉलम में देखिएगा तो यहाँ से हम यू कॉमन ले सकते हैं। सिमिलरली आपका जो है जब आप ये वाला जवाब देखिएगा, ये वाला जब आप थर्ड कॉलम देखिएगा तो इसमें जो है वी और आपका ये वी, और इसमें भी जीरो इंटू वी हम लिख सकते हैं। सिमिलरली इसका आपका यू, यू और जीरो इंटू यू, कहने का मतलब है ये जीरो इंटू यू वी हम लिख सकते हैं। तो थर्ड वाले आप कॉलम से जो है यू वी कॉमन ले सकते हैं और आपका सेकेंड वाले कॉलम से यू कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप दोनों कॉमन लीजिएगा तो देखिए ये कैसा दिखेगा। जब आप जो है सेकेंड वाले कॉलम से यू कॉमन लीजिएगा और थर्ड वाले कॉलम से यू वी कॉमन लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा यू इंटू यू वी, और डिटरमिनेंट के अंदर होगा आपका 1 माइनस वी, वी इंटू 1 माइनस डब्ल्यू, वी डब्ल्यू माइनस 1, 1 माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू जीरो माइनस 1, 1। क्योंकि हम इस वाले कॉलम से जो है यू भी कॉमन लिए और इस वाले कॉलम से यू कॉमन लिए, तो इससे यहाँ पे आपका ये मल्टीप्लाई हो जाता है, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी होता है, तो यू इंटू यू भी हो जाएगा। और फिर अंदर में हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब आप ये वाला जो है आप इसको इसको जब आप फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग जब आप एक्सपेंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा, पहले तो आपका ये बाद में यू यू स्क्वायर वी हो जाएगा क्योंकि यू इंटू यू भी है, तो ये हो गया यू स्क्वायर वी। फिर देखते हैं, हो जाएगा आपका 1 माइनस वी इंटू 1 माइनस डब्ल्यू, और माइनस डब्ल्यू है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस डब्ल्यू, फिर माइनस माइनस 1 है आपका, तो माइनस ऑफ माइनस 1 आपका प्लस 1 हो जाएगा, फिर 1 इंटू वी इंटू 1 माइनस डब्ल्यू, तो ये आपका हो जाएगा वी इंटू 1 माइनस डब्ल्यू, फिर माइनस आपका माइनस वी डब्ल्यू, और आपका पहले से माइनस 1 है यानी माइनस 1 इंटू वी डब्ल्यू, और पहले भी आपका ये कहना ये चाह रहे कि ये माइनस और ये माइनस 1 इंटू वी डब्ल्यू। उसके बाद फिर अब आपको देखिए थर्ड वाला जो, इसीलिए थर्ड वाला जो है यहाँ पे आपको इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करिएगा तो इंटायर टर्म आपका जीरो हो जाएगा। तो अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, ये आपका आ जाएगा यू स्क्वायर वी 1 माइनस वी, देखिए ये आपका डब्ल्यू और ये डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का डब्ल्यू और ये माइनस का डब्ल्यू है, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस वी इंटू 1 यानी 1 माइनस वी प्लस, अब देखिए 1 इंटू एनीथिंग तो सेम टर्म हो जाएगा,
तो आपका देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा V माइनस VW और उसके बाद माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका प्लस VW। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये आपका प्लस VW और ये माइनस VW कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये प्लस V और माइनस V कैंसिल हो जाएगा और आपका सिर्फ 1 बचेगा, यानी 1 इंटू यू स्क्वायर V इक्वल टू हो जाएगा आपका यू स्क्वायर वी, यानी इसका जो आंसर है आपका ये हो जाएगा यू स्क्वायर वी, यानी ये इक्वल टू आप लिख सकते हैं यू स्क्वायर वी। तो देखिए एग्जाम में इसी क्वेश्चन को कितने डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता था। देखिए ये आपको वैल्यू दे दिया जाता और डायरेक्ट यहाँ पे बोल दिया जाता फाइंड जेकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विथ रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, तो आपको सेम ही काम करना था जो अभी हम किए, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता था, ये वैल्यू यहाँ तक दिया रहता फिर रहता कि सो डेट डो ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बाई डो ऑफ यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू इक्वल टू यू स्क्वायर वी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता था और वैसे भी एग्जाम में जो है आपको वैसे क्वेश्चन के थ्रू आप जो है जाना है जिसमें आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया, क्योंकि जिसमें आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया उसमें आपको आंसर जो है ऑलरेडी पता रहता है कि क्या प्रूफ करना है, इसीलिए वैसे क्वेश्चन पे आप ज्यादा फोकस करिए अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो। थैंक यू।